यहाँ पर श्री गंगानगर शहर के सुखाड़िया सर्किल के नजदीक बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों को खून के आंसू रुलाया है। गंग नहर भाखड़ा और IGNP का किसान नहर के पानी के लिए परेशान है। राठौड़ ने कहा कि जिले में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। अन्न का कटोरा कहा जाने वाला श्रीगंगानगर आज नशे का ट्रांजिट रूट बन गया है। श्रीगंगानगर की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा विधायक चुना जो बिना दल का था। इसके बाद भी जिले में अपराध बढ़े और प्रोटेक्शन मनी के नाम पर शरीफों को धमकाया जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश के अंदर ये परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और ये परिवर्तन संकल्प यात्रा है जो देश के राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार कांग्रेस की सरकार जो है वो भ्रष्टाचारी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है और युवा विरोधी सरकार और किसान विरोधी सरकार है। हमारा तो यहाँ गंगानगर का पानी भी नहीं दे रही है। ऐसी आमजन के विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे राजस्थान में परिवर्तन ये संकल्प यात्रा निकल रही है। अभी अभी यहाँ से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली है, साथियों के साथ में स्वागत किया गया है और हम सभी वहाँ पर सभा स्थल पर पहुँच रहे हैं।